वेलकम टू आयशा कुकिंग वर्ल्ड। आयशा कुकिंग वर्ल्ड में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी साउथ इंडियन रेसिपी रसम वड़ा। इस रेसिपी में आपको बहुत सारे फ्लेवर मिलेंगे, खट्टा मीठा तीखा टेस्ट आपको मिलेगा और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है ये। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी बनाना। ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम रसम तैयार कर लेते हैं। एक पैन लिया है मैंने और कुछ मसाले ड्राई रोस्ट कर लेना है। 2 टेबल स्पून ये साबुत धनिया लिया है मैंने, 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून चने की दाल और ये 1 टेबल स्पून अरहर की दाल, तूर दाल जिसे हम बोलते हैं ना वो, 1 पिंच कलौंजी। कलौंजी थोड़ी कम ही लेंगे हम, ज़्यादा कलौंजी ऐड करने से कई बार क्या होता है कि टेस्ट कड़वा हो जाता है। 1 टेबल स्पून राई भी ऐड कर देनी है और ये 1 पिंच जिंजर पाउडर, सॉल्ट पाउडर जो होता है ना वो, और ये 3 लाल मिर्च भी ली है मैंने साबुत वाली, 1 पिंच हींग भी ऐड कर देंगे। सारे ही मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेना है, लो फ्लेम पर ही हम रोस्ट करेंगे मसालों को। कुछ काली मिर्च भी ऐड कर देनी है, काली मिर्च से बड़ा तीखा सा टेस्ट आएगा, रसम वड़ा में बहुत अच्छी लगती है काली मिर्च। बस ये मसाले तो हमारे रोस्ट हो चुके हैं, इनको ठंडा होने के लिए साइड पर रख देते हैं और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो ग्राइंड कर लेंगे, फाइन पाउडर इसका तैयार करेंगे। जब तक मसाले ठंडे होते हैं तब तक हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने ये कढ़ाई ली है और ये 4 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, कुकिंग ऑयल जो भी आपको पसंद हो। तेल के ठीक तरह से गर्म हो जाने के बाद कुछ मसाले भी ऐड कर लेने हैं, जैसे कि ये राई 1 टीस्पून, उड़द की दाल बिना छिलके वाली जो सफ़ेद दाल होती है ना वो दाल मैंने ली है 1 टीस्पून, जीरा, साबुत लाल मिर्च, हींग ली है मैंने ये 1 पिंच और ये चॉप्ड हुआ लहसुन। सभी मसालों को गर्म तेल में फ्राई कर लेना है और ये बहुत ही फ्लेवरफुल तड़का हमारा तैयार हो जाएगा। अब आप चाहें तो पहले तड़का बनाकर रसम तैयार कर लें जैसे मैं कर रही हूँ, या फिर आप रसम बड़ा तैयार करने के बाद इस तड़के का यूज़ कर सकते हैं। जैसे दाल वगैरह हम बनाते हैं ना, उसके बाद में दाल को बनाने के बाद में हम तड़का लगाते हैं, उस तरह से। 2 हरी मिर्च को टुकड़ों में कट कर लिया था मैंने, इसको भी ऐड कर देंगे और भून लेंगे। अब इसी पॉइंट पर ऐड कर लेना है टमाटो प्यूरी, 1 बड़े टमाटर की प्यूरी बनाकर मैंने रखी थी वही मैं ऐड कर रही हूँ और ये टमाटो प्यूरी को अच्छे से भून लेना है सारे मसालों के साथ में। बहुत ज़्यादा मिर्च नहीं डाल रही हूँ मैं इसमें, क्योंकि काफ़ी सारे मसाले इसमें मैंने ऐड करे हैं। सिर्फ 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर मैंने ऐड किया है और ये 1/2 टीस्पून नमक। ये यहाँ पर इमली को मैंने पानी में भिगो कर रखा था, इमली का पल्प मैंने अलग नहीं किया है, बस सीड्स के साथ ही मैं इमली को ऐड कर रही हूँ। ये कुछ कुछ मसाले ऐड करते जाएंगे और लो फ्लेम पर भूनते जाएंगे मसालों को। हमने अभी जो ड्राई रोस्ट करके मसाला रखा था फाइन पाउडर बना लिया था मैंने उसका, और ये भी ऐड कर देना है। इतने सारे मसालों के साथ जब ये रसम बड़ा बनेगा ना तो टेस्टी तो बनेगा ही। थोड़ा पानी भी ऐड कर रही हूँ मैं इसमें ताकि मसाले जले नहीं, और ये पानी के साथ मसालों को अच्छे से भून लेंगे, लो फ्लेम पर ही भूनेंगे मसालों को। अब ये मसाले भी बहुत अच्छे से भून चुके हैं तो मैं ऐड कर रही हूँ 1 लीटर पानी। कुछ दाने चीनी के भी ऐड कर लेने हैं, चीनी से टेस्ट एनहेंस होगा। अब यहाँ पर आप चीनी की जगह पर ना गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो गुड़ ऐड करें चाहे तो चीनी ऐड करें। और ये हमारा साउथ इंडियन स्टाइल रसम तैयार है। 1 बॉईल के आने तक पका लेते हैं और उसके बाद फ्लेम ऑफ कर देनी है। बस बड़ा बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 कप मूंग की दाल ली थी बिना छिलके वाली, उसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था पानी के साथ। दाल के 2 घंटे भीगने के बाद वॉश कर लेना है और ग्राइंड कर लेना है। स्ट्रेनर से दाल को निकालेंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है ना वो रिलीज हो जाए, और दाल को हम बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट या बहुत ज़्यादा दरदरा टाइप का पेस्ट नहीं बनाएंगे, मीडियम कंसिस्टेंसी में दाल को ग्राइंड करेंगे। यहाँ पर मैं ये मूंग की दाल से बड़ा बना रही हूँ, आप चाहें तो उड़द की दाल से भी बड़ा बना सकते हैं या फिर मिक्स दाल से भी बड़ा बनाया जा सकता है, या फिर आप ऐसा करें आधी मूंग की दाल ले लें और आधी उड़द की दाल, उससे आप बना लें। तो बस ये सारी ही दाल हमारी ग्राइंड हो चुकी है। कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ मैं, ये रफली चॉप हुआ हरा धनिया, बारीक कटी हुई अदरक और ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक और ये 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब कोई भी दाल से आप रसम वड़ा बनाएं टेस्टी ही बनेगा, क्योंकि इतने सारे मसाले यूज़ होते हैं। वड़ा बनाने के लिए दाल के साथ में ये गेहूं का आटा भी यूज़ कर रही हूँ, 3 से 4 टेबल स्पून के करीब मैंने आटा ऐड किया है इसमें। अगर दाल को हम ठीक तरह से मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छे से फेंट लेंगे दाल को, तो बिना सोडा के ही बड़े सॉफ्ट बनेंगे। अभी तो और भी कुछ मसाले इसमें ऐड करने हैं, जैसे ये कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ जीरा और ये कुटी हुई लाल मिर्च, एक बार और विस्क कर लेना है ठीक तरह से।
अब एक कढ़ाई ली है मैंने और ये तेल लिया है, मस्टर्ड ऑयल लिया है मैंने, सरसों के तेल में ये बड़े हम बनाएंगे। ज़्यादा ही तेल लिया है मैंने क्योंकि हमें डीप फ्राई करना है, और ये तेल को हाई फ्लेम पर गर्म करने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पर मैंने ये एक छोटी बाउल ली है और इस बाउल पर कपड़े को इस तरीके से सेट कर लेना है बिल्कुल टाइट करके। पहले कपड़ा गीला कर लेना है और उसके बाद कपड़े पर दाल को स्प्रेड करेंगे इस तरीके से, बड़े वाली शेप दे देंगे, और आहिस्ता से इस तरीके से दूसरे हाथ पर टर्न कर लेना है। कितना इजी और कितनी अच्छी शेप में ये वड़ा बना है। तो बस गरम गरम तेल में फ्राई कर लेते हैं। एक्स्ट्रा दाल जो कपड़े पर है पानी से हटा देंगे। ऐसा करने से फिनिशिंग में वड़े बनेंगे। दूसरा वड़ा बनाने के लिए दाल स्प्रेड कर लेनी है और इसी तरीके से हाथ पर टर्न कर लेना है। 6 से 7 वड़े मैंने फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऐड किए हैं। बहुत ज़्यादा एक साथ वड़े हम फ्राई नहीं करेंगे, ऑयल का टेम्परेचर कम हो जाता है तो वड़े ना बहुत ठीक तरीके से फ्राई नहीं हो पाते। अब ये वड़े भी हमारे बहुत अच्छे से कलर के साथ फ्राई हो गए हैं, एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बाकी वड़े भी हमें इसी तरीके से फ्राई कर लेने हैं। अब ये रसम को फिर से एक बॉईल के आने तक पका लेना है, और ये बहुत ही टेस्टी सी रसम भी तैयार है और वड़े भी तैयार हैं, सर्व कर लेते हैं। तो पहले मैं क्या करूँगी, बॉल में रसम सर्व करूँगी, गरम गरम रसम के साथ डिप करूँगी वड़ा। बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं वड़े, तो सर्व करते टाइम ही गरम गरम रसम के साथ वड़ा डिप करेंगे। अब ये खट्टा मीठा तीखा सा रसम वड़ा हमारा तैयार है। आपने देखा ना कितने सारे मसाले इसमें मैंने यूज़ करे हैं, फ्लेवर से भरपूर रसम वड़ा बनाएं और इन्जॉय करें। और ये गार्निशिंग के लिए मैं कुछ धनिया पत्ती भी स्प्रिंकल कर देती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।